इस लेक्चर में हम JDBC से रिलेटेड जो भी ड्राइवर हैं उनके बारे में देखेंगे। तो हमारे पास चार टाइप के ड्राइवर टाइप्स हैं, ओके। जिनमें पहला जो टाइप वन है वो है JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर, एंड दूसरा जो है नेटिव JDBC नेटिव API ड्राइवर, एंड जो तीसरा है JDBC नेटवर्क ड्राइवर है, जिसे हम नेट प्योर जावा ड्राइवर भी कहते हैं, क्योंकि इनमें जितने भी जो एप्लीकेशन की मतलब ड्राइवर से रिलेटेड कोडिंग की जाती है JDBC में, वो जो है जावा में लिखी होती है। एंड जो टाइप फोर रहता है वो प्योर ही मतलब 100% प्योर जावा रहता है, ओके। तो ये सारे जो हैं JDBC के टाइप्स हैं। एंड पिछले लेक्चर्स में मैंने ये नहीं बताया था कि JDBC जो है अभी कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी 2018 में JDBC 4.3 यूज़ कर रहे हैं, मीन्स फोर जो है उस पैकेजेस के वर्जन मतलब उस वर्जन के पैकेजेस यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम java.sql एंड java.x.sql जो कि हमारे प्राइमरी पैकेजेस हैं JDBC 4.0 में, ओके। एंड अभी लेटेस्ट JDBC वर्जन की बात करें तो 4.2 एंड 3 चल रहा है, हाँ 4.3 ऑफकोर्स, ओके। तो इट ऑफर्स द मेन क्लासेस एंड इंटरेक्टिंग विथ योर डेटा सोर्स, इसमें कई सारे फीचर्स दिए गए हैं, एंड बहुत सारे जो है क्लासेस एंड इंटरफेस जो है एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं, जिसके जरिए जो है एक डायनामिक तौर पे ऑटोमेटिक जो है डेटाबेस ड्राइवर को अपलोड कर सकते हैं। एंड एक्सेप्शन जो है हैंडलिंग जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है, एंड इनके साथ ही जो है आप ब्लॉब एंड क्लॉब फंक्शनैलिटी को इन्हेंस किया हुआ है, एंड कनेक्शन एंड स्टेटमेंट इंटरफेस को भी जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है उसमें मेथड्स अप्लाई हुई है, मीन्स मतलब ऐड हुआ है, जिसके कारण इनकी जो है प्रोग्रामिंग इस इन्हेंसमेंट बढ़ गई है, ओके। एंड यही सब है और क्या, ओके। तो हमारा जो ये नेक्स्ट टारगेट है कि JDBC जो हमारे चार टाइप के हैं, तो इसमें हम पहला टाइप देखते हैं कि पहला टाइप जो हमारा है JDBC ODBC ड्राइवर, ओके। तो ये जो चार टाइप में बटा हुआ है उसे हम समझते हैं। तो टाइप वन ड्राइवर, अगर आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप का जो है यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, कि हमारा जो लोकल कंप्यूटर है उसके अंदर हमने दो ब्लॉक बनाया हुआ है, जिसमें पहला जो है जावा एप्लीकेशन है, जिसमें एप्लीकेशन से रिलेटेड कोड लिखे गए हैं, एंड उसके बाद हमने यहाँ पे टाइप वन ब्लॉक के अंदर JDBC ODBC ब्रिज बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका दो ड्राइवर रहेंगे, पहला तो JDBC का अपना खुद का ड्राइवर रहेगा जो कम्युनिकेट करेगा किससे, ODBC ड्राइवर से, ठीक है। तो ODBC जो है माइक्रोसॉफ्ट का दिया हुआ है, ये इसका जो फुल फॉर्म होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी होता है, ओके। तो जो JDBC जो ड्राइवर को है वो ODBC ड्राइवर में कनेक्ट करता है। अगर आप लोकल कंप्यूटर के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसमें आपको जो है अपने क्लाइंट में ODBC ड्राइवर से रिलेटेड जो भी मीन्स ड्राइवर है उसे इंस्टॉल रखना होगा, नहीं तो एरर शो करेगा, ओके। तो वो जनरली रहता ही है, ओके। लेकिन अगर आप किसी डेटाबेस सर्वर से कम्युनिकेट कर रहे हैं या किसी, हाँ डेटाबेस सर्वर से, तब आपको जो है हर क्लाइंट में जहाँ भी आप अपने जावा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ उस डेटाबेस से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर है उन्हें भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अगर कम शब्दों में कहूँ तो टाइप वन ड्राइवर जो है थोड़ा जो है लेंदी एंड कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिसके कारण java 8 में या उसके बाद जो भी जावा के नए वर्जन है उसमें जो है इस टाइप वन ड्राइवर को जो है डेप्रिकेट कर दिया गया है, मीन्स हटा दिया गया है, ओके। लेकिन फिर भी हम इसे समझ लेते हैं कि JDBC जो है ब्रिज है इज यूज टू एक्सेस ODBC ड्राइवर, जो कि इंस्टॉल रहती है हर क्लाइंट के मशीन में, ठीक है, होनी चाहिए, मतलब इंस्टॉल होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। एंड ODBC का यूज़ करके जो है हम कॉन्फ़िगर करते हैं सिस्टम में, जिसका नाम रहता है डेटा सोर्स नेम DSN, जो कि रिप्रेजेंट करता है टारगेट डेटाबेस को, एंड फिर यही है ODBC की हेल्प से हम उस एक्सेस कर पाते हैं उस डेटाबेस को, ओके। तो पहले चलता था, अभी अभी भी मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देता, लेकिन हमारे जो मेरा लोकल मशीन है इसमें java 10 इंस्टॉल है, तो इसलिए जो है टाइप वन का जो है प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे, लेकिन आने वाले लेक्चर्स में हम टाइप 2 टाइप 3 या टाइप 4 इन सब का जो है प्रैक्टिकल समझेंगे, ठीक है। बेसिकली तौर पे तो टाइप 4 ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, हम टाइप 2 समझते हैं, JDBC नेटिव API। तो इस ड्राइवर में भी जो है हमारा JDBC जो है वो क्या करता है, कॉल करता है हमारे नेटिव C++ API कॉल्स को,
ठीक है, तो ये जो है ODBC में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये एक नेटिव मतलब अब एक जो डेटाबेस से कम्युनिकेट कर पाए उसका जो कोडिंग है मीन्स उसके लिए जो है एक API की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम नेटिव API कहते हैं, जो कि C++ में बना होता है, जो कि विच आर यूनिक टू द डेटाबेस, तो हर डेटाबेस के लिए यूनिक होता है, एंड दिस ड्राइवर आर टिपिकली प्रोवाइडेड बाय द डेटाबेस वेंडर्स, ठीक है, जैसे कि हम MySQL इंस्टॉल कर रहे हैं हर किसी क्लाइंट में, तो उसके रिलेटेड जो भी हम एक क्लासेस होगा या फिर जो भी कोडिंग किए रहते हैं, ठीक है, तो वो उस नेटिव API में होता है, एंड जब भी हम एप्लीकेशन को मतलब एप्लीकेशन को डेटाबेस से मीन्स कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमको इस अलग अलग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अलग अलग हमको नेटिव API यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, तो दिस ड्राइवर्स आर टिपिकली प्रोवाइडेड बाय द डेटाबेस वेंडर्स एंड यूज इन द सेम मैनर एज द JDBC ODBC ब्रिज। जैसे कि ODBC क्या होता था कि ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी होता था, वैसे ही नेटिव API भी कुछ उसी तरीके का है, तो दोनों में कुछ डिफरेंट तो है नहीं, लेकिन ये है कि आपको जो है अगर अलग से मतलब हर वेंडर के लिए जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने JDBC जावा एप्लीकेशन के साथ एक नेटिव API भी रखिए और क्या है कि नहीं, तो नहीं, लेकिन यहाँ पे भी फिर भी जो है वेंडर स्पेसिफिक ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना होगा हर क्लाइंट के मशीन में। ओके, अगर हम डेटाबेस में कुछ चेंज करते हैं तो हमें जो है हमारे नेटिव API में भी चेंज करना होगा, ठीक है, तो ये है नेटिव API, इससे भी कुछ खास नहीं है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ओके, लेकिन टाइप थ्री एंड टाइप फोर जो है बहुत पॉपुलर है, जिसमें टाइप थ्री में हम देखते हैं JDBC नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर, ठीक है, ये पॉपुलर क्यों है, क्योंकि एक थ्री टीयर अप्रोच अपनाता है डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि इसमें अलग से आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है क्लाइंट में। ओके, द JDBC क्लाइंट्स यूज स्टैंडर्ड नेटवर्क सॉकेट टू कम्युनिकेट विद द मिडिलवेयर एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है, तो इसमें एक मिडिलवेयर नाम की चीज़ है, मिडिलवेयर सर्वर रहता है जो क्लाइंट के मतलब डेटाबेस से कम्युनिकेट करता है या सर्वर के डेटाबेस से कम्युनिकेट करता है। वो कैसे करता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने सिंपल जो है JDBC अपनाया हुआ है, ओके, जिसका कोडिंग जो है जावा में लिखा हुआ है, ठीक है, और हमने क्या किया कि हमें पता नहीं है कि जो क्लाइंट के मशीन में कौन सा डेटाबेस है। ओके, अगर डेटाबेस है अगर बाद में चेंज किया तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसके लिए क्या है, हमने हर डेटाबेस के लिए जो है हमने एक ड्राइवर जो है मिडिलवेयर सर्वर में इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है, अगर हम बाद में डेटाबेस को चेंज भी करते हैं तो उस वो जो है डायनेमिकली जो है ऑटोमेटिक अपने हिसाब से वो अपने ड्राइवर को अपडेट करके उस डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो द सॉकेट इन्फॉर्मेशन इज देन ट्रांसलेटेड बाय द मिडिलवेयर एप्लीकेशन सर्वर इनटू द कॉल फॉर्मेट रिक्वायर्ड बाय द DBMS, तो जैसे ही उसे पता चलता है कि DBMS में कुछ चेंज हुआ है, कोई दूसरा DBMS आया है, तो अपने मिडिलवेयर में वो अपने आप ड्राइवर को ट्रांसलेट कर देता है, मीन्स दूसरे जो है ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेता है एंड फॉरवर्ड कर देता है डेटाबेस सर्वर को, तो दिस काइंड ऑफ ड्राइवर इज एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल सिंस इट रिक्वायर्स नो कोड इंस्टॉल ऑन द क्लाइंट एंड सिंगल ड्राइवर कैन एक्चुअली प्रोवाइडेड एक्सेस टू मल्टीपल डेटाबेसेस। तो क्या है, हम क्या करते हैं कि अपने जावा एप्लीकेशन में एक मतलब सिंगल जो है ड्राइवर से ही हम मल्टीपल डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा जो है कुछ डेटा मतलब ओरेकल में है एंड कुछ डेटा MySQL में एंड कुछ डेटा जो है अदर जो है डेटाबेस सॉफ्टवेयर में, ठीक है, तो एट अ टाइम तो हम क्या करते हैं कि सिंगल आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना रहता है अपने JDBC API में या JDBC ड्राइवर मैनेजर में, लेकिन यहाँ पे मिडिलवेयर सर्वर का जो है यही एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जैसे ही आपको जो DBMS सॉफ्टवेयर से डेटा चाहिए आप उस के अकॉर्डिंग जो है आप उस ड्राइवर को उस समय के लिए लोड कर सकते हैं, ठीक है, फिर जैसे उसका काम खत्म उसका भी मतलब उस ड्राइवर भी जो है उसका भी काम खत्म, ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये JDBC नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर या फिर कह लें JDBC नेट प्योर जावा वाला जो है ड्राइवर वर्क करता है। ओके, तो जनरली अगर आपको सर्वर बेसिस पे अगर आपको काम करना है तो प्रिफर कीजिए कि नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर जो हमारा टाइप थ्री ड्राइवर है उसे यूज़ कीजिए। ओके, एंड इसका फ़ायदा भी है, यू कैन थिंक ऑफ द एप्लीकेशन सर्वर एज अ JDBC प्रॉक्सी मीन दैट इट मेक्स कॉल फॉर द क्लाइंट एप्लीकेशंस। ओके, अगर आप ये जो हमारा लास्ट ड्राइवर है जिसे हम बोलते हैं
थीन ड्राइवर या फिर कह लें 100% प्योर जावा। एंड थीन ड्राइवर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अलग से आपको एक्स्ट्रा जो मिडिल वेयर जैसी चीज़ें हो गई, या फिर एक्स्ट्रा जो है ब्रिज बनाने वाली चीज़ें हो गई, जैसे ODBC हो गया या फिर नेटिव API कॉल्स हो गए, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा जो है अपने डेटाबेस सर्वर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है कि आप जो है सबसे पहला तो एक प्योर जावा एप्लीकेशन बनाइए, एंड जावा बेस्ड जो हमारा ड्राइवर है उसको कम्युनिकेट करा ली कीजिए डायरेक्ट वेंडर के डेटाबेस से। वेंडर मीन्स जो थर्ड पार्टी डेटाबेस है, जैसे कि MySQL हो गए, ओरेकल हो गए, उससे जो है डायरेक्ट कम्युनिकेशन करा सकते हैं थ्रू सॉकेट कनेक्शन के। ठीक है, तो दिस इज द हाईएस्ट परफॉर्मेंस ड्राइवर अवेलेबल फॉर द डेटाबेस एंड यूजली प्रोवाइडेड बाय द वेंडर इटसेल्फ। ये वेंडर के द्वारा जो है खुद प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के ड्राइवर्स जो कि डेटाबेस से रिलेटेड रखते हैं। ओके, एंड दिस काइंड ऑफ ड्राइवर इज एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल एंड यू डोंट नीड टू इंस्टॉल स्पेशल सॉफ्टवेयर ऑन द क्लाइंट क्लाइंट या फिर किसी भी सर्वर में। ओके, तो जैसे कि MySQL है तो उसके लिए कनेक्टेड ड्राइवर आता है जो कि Type 4 ड्राइवर है। एंड बिकॉज ऑफ प्रेपरेटरी नेचर ऑफ देयर नेटवर्क प्रोटोकॉल डेटाबेस वेंडर यूजली सपोर्ट Type 4 ड्राइवर्स। ओके, तो आपने देखा ये चारों ड्राइवर्स टाइप में कैसा डिफरेंस है। एंड जो आने वाले लेक्चर्स है उसमें हम जो है ज़्यादातर Type 4 ड्राइवर ही यूज़ करेंगे जो कि थिन ड्राइवर रहता है। एंड इसके जो डेटाबेस से कम्युनिकेट करने की जो स्पीड रहती है वो भी तीनों ड्राइवर से ज़्यादा रहती है। अगर बात किया जाए कि हमें कब कौन सा ड्राइवर यूज़ करना चाहिए, तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि विच ड्राइवर्स वुड बी यूज। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है इफ़ यू आर एक्सेसिंग वन टाइप ऑफ डेटाबेस। अगर आप एक ही टाइप के डेटाबेस एट अ टाइम यूज़ कर रहे हैं, मीन्स अगर कोई एप्लीकेशन बनाइए जो कि एक ही टाइप के डेटाबेस यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो आप उसके लिए जो है Type 4 जो हमारा थिन ड्राइवर जो है उसे आप यूज़ कर सकते हैं। उस टाइप के जो है ड्राइवर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप ओरेकल हो गया, साइबम हो गया, IBM या कोई भी जो है ड्राइवर्स यूज़ कर सकते हैं, मीन्स ड्राइवर Type 4। ओके, लेकिन अगर आप जावा एप्लीकेशन एक्सेसिंग मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटाबेस, ठीक है, अगर एक ही जावा एप्लीकेशन जो है बहुत सारे डेटाबेस टाइप्स को यूज़ कर रहा हो, मान के चलिए कुछ डेटा जो है वो ओरेकल डेटाबेस से ले रहा हो, कुछ जो है MySQL डेटाबेस से ले रहा हो, तब आपको जो है हमारा Type 3 ड्राइवर यूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अपना एक मिडिल वेयर जो है सर्वर जो है क्रिएट करता है, जिसमें वो मतलब पहले से ही कई सारे ड्राइवर्स को लोड करके रखे रहता है। एंड जब जैसी ज़रूरत पड़ती है उस ड्राइवर को वो इंस्टॉल कर लेता है अपने जावा एप्लीकेशन में। ओके, एंड Type 2 ड्राइवर की बात किया जाए तो Type 2 ड्राइवर आर यूजफुल इन सिचुएशन जब Type 3 या Type 4 ड्राइवर अवेलेबल ना हो, ठीक है, आपके डेटाबेस के लिए, तब आप जो है Type 2 ड्राइवर यूज कर सकते हैं। ओके, लेकिन जनरली ये ऐसा नौबत तो आता नहीं है। ओके, एंड Type 1 ड्राइवर तो जो है नॉट कंसिडर्ड डिप्लॉयमेंट लेवल ड्राइवर, एंड उसे भी डेप्रिकेट कर दिया गया है, मीन्स हटा दिया गया है। ये एक टेस्टिंग पर्पज के लिए अभी भी यूज किया जाता है। अगर आप सीख रहे हैं कि किस तरीके से JDBC को कनेक्ट करता है किया जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, तो आप जो है Type 1 ड्राइवर यूज करते हैं। लेकिन आज क्या, अभी अभी कोर्स में ही जो है हम Type 1 ड्राइवर यूज नहीं करेंगे, हमें सीधा जो है एक रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल सीखना है, तो हम जो है हमारा थीन ड्राइवर है वो इस कोर्स में देखेंगे। ओके, एंड Type 3 ड्राइवर है उसे भी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है मल्टीपल डेटाबेस से कम्युनिकेट करके उसके डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं हमारे जावा एप्लीकेशन में। ओके, तो इस तरीके से आपने समझा कि इस तरीके हमारे पास जो है कितने टाइप्स के ड्राइवर हैं, जिसमें चार टाइप के ड्राइवर है, जिसमें पहला ड्राइवर तो डेप्रिकेट कर दिया गया है Java 8 से ही, एंड दूसरा ड्राइवर है जो कि इस उसके लिए जो है हमें हर वेंडर्स में मीन्स हर डेटाबेस के लिए जो है क्लाइंट में एक स्पेसिफिक जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो ये भी जो है एक अच्छी चीज़ नहीं है। एंड ऊपर से वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो जाता है क्योंकि उसका जो कोडिंग है वो C और C++ में होता है, ठीक है। तो Type 3 एंड Type 4 ही पॉपुलर है, क्योंकि Type 3 जो है अगर आपको मल्टीपल डेटाबेस से कम्युनिकेट करना हो तो आप जो है Type 3 ड्राइवर यूज़ कीजिए, एंड आपको अगर एक ही टाइप के डेटाबेस से कम्युनिकेट करना है तो आपको फिर तो Type 4 को ही प्रिफर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इसलिए इसे थिन ड्राइवर भी कहा जाता है, क्योंकि इनके बीच कोई मिडिलवेयर या कोई दूसरा लेयर नहीं होता है, सीधा जो है 2 टीयर में बना हुआ है, अपने जावा एप्लीकेशन को सीधा जो है डेटाबेस से कम्युनिकेट करवाता है।
ओके एंड आपको जो है पिछले लेक्चर से हमने एग्जांपल देखा ही, हमने किस तरीके से जावा एप्लीकेशन को हमारे MySQL डेटाबेस से कम्युनिकेट करवाया या कनेक्ट करके किस तरीके से हमने डेटा को रिट्रीव किया। तो आने वाले लेक्चर्स में हम DBMS जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि हमारा MySQL है उससे रिलेटेड जो भी SQL सिंटेक्स है उसके बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।